नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बड़ी खबरों को तेज गति से समझाने वाले और आपका समय बचाने वाले न्यूज शो खबरदार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के विश्लेषण का ट्रेलर दिखा देते हैं। 40 दिन और करीब 170 घंटे, आज हम देश के सबसे पुराने अयोध्या विवाद की मैराथन सुनवाई का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आखिरी दिन आखिरी घंटे तक हर पक्ष अपनी दलीलों में जोर लगाता रहा। इसके साथ ही आज आपको सुप्रीम कोर्ट के उस नाटकीय सीन के बारे में भी बताएंगे जिसमें राम जन्मभूमि की सटीक जगह का दावा करने वाला एक नक्शा फाड़ा गया। ये क्यों हुआ, किसने किया, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अयोध्या पर आखिरी दिन की सुनवाई का ये कांड आज दिन भर चर्चा में रहा। आज हम आपके सामने वो पुरातात्विक सबूत भी पेश करेंगे जो एसआई को विवादित जमीन की खुदाई के दौरान मिले हैं और जो विवादित जमीन के नीचे प्राचीन मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। ये आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। खबरदार में आज हम आपको अयोध्या भी ले चलेंगे जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। आज तक की टीम ने वहां राम मंदिर कार्यशाला का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात उस फैसले के काउंटडाउन की जिसका इंतजार बरसों दशकों से किया जा रहा था। अयोध्या में मंदिर मस्जिद वाले विवाद का आखिरकार कब अंत होगा? अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक किसका है? इस पर कानूनी लड़ाई सन 1885 से चल रही है जब पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा था। आजादी के बाद भी यह मामला कानून के गलियारों में चक्कर काटता रहा। करीब 134 साल बाद अब वो समय आया है जब देश की सबसे बड़ी अदालत आने वाले 29 दिनों के अंदर देश के सबसे बड़े मुकदमे का आखिरी फैसला सुनाने वाली है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि अयोध्या केस में 40 दिन की सुनवाई के आखिरी दिन आज क्या क्या हुआ और कौन कौन सी दलीलें रखी गई। रिटन सबमिशंस मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे और कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। विवाद का पटाक्षेप 2019 के नवंबर महीने में हो जाता है, यह एक भारत की जनता के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि इस पूरे विवाद का निराकरण फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे देगा। हमारी एविडेंस, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। अब कोर्ट को उस पर तय करना है, हम अपने जो एविडेंस हमारी है, जो लॉ पॉइंट्स हैं, वो प्लेस करने में कामयाब रहे, इतना हम कह सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उन उस बुनियादों के ऊपर, अगर ये आस्था ही का मामला है तो अगर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का मामला है तो मुसलमानों की भी आस्था का मामला है कि वहाँ मस्जिद थी। हमारा तो उम्मीद 200% है कि अवश्य होगा राम जी के पक्ष में। हाँ, अब देखिए, करना तो भगवान के हैं, करना तो है जज को है, लेकिन हमारा कागज से लेकर के रामलला वहाँ बैठे हुए हैं, रामलला के हटाने के कोई चांसे नहीं है। कहे कि रामलला जहाँ वो अनाथ काल के उस जगह के हम लोग पूछते हैं, तो इसलिए हमारा मंदिर बनेगा, आप देखते रहिए। बरसों से उलझी अयोध्या पर ये अपने अपने दावे हैं जिन पर 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद अब 30 दिन में फैसला आ जाएगा कि किसके दावे में कितना कानूनी वजन रहा और अयोध्या की जमीन किसकी है। सभी को अपना पक्ष जो है रखने के लिए मौका मिला, काउंटर फाइल करने के लिए मिला, डॉक्यूमेंट आदान प्रदान करने के लिए मिला। बहुत ही अच्छे ढंग से जो है कार्रवाई आज जो संपन्न हुई, इसके लिए साधुवाद। अब तो बस निर्णय की आशा के लिए हम लोग फिर आएंगे कि जल्दी से जल्दी निर्णय आवे। ये उम्मीद क्या लगती है आज जब मुस्लिम पक्षकारों ने अपना दलील रखी है, धवन साहब ने कई पॉइंट ऑफ व्यू रखे वहाँ पर, उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए सबको अपना अपना रखने का अधिकार है, सबको रखना चाहिए, लेकिन अंत में जो साक्ष्य होता है, जिसका प्रबल दावेदारी होती है, जो वहाँ पर आस्था है, जो वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, डॉक्यूमेंट्स हैं, खुदाई हुई, उन सबको बिंदुओं पर, उस पर भी हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वकील के माध्यम से रखे। इस कानूनी विवाद में 14 अपील और दोनों समुदायों के 6-6 पक्षकार, सुप्रीम कोर्ट ने तयबद्ध सीमा में हर पहलू पर सबकी दलीलें सुनी। आखिरी दिन की सुनवाई तक सब अपनी अपनी दलीलों में दम लगाते रहे। रामलला के वकील सी.एस. वैद्यनाथन ने जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ दलील रखी।
ये कहा कि जब जमीन की मालिक तत्कालीन हुकूमत थी तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कैसे जमीन पर हक जता रहा है। राम चबूतरा रामलला का जन्म स्थान रहा है जहां पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते रहे हैं। रामलला के वकील ने कहा कि बिना संपत्ति के मालिक हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड जमीन पर दावा कर रहा है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के एक वकील रंजीत कुमार ने कहा कि राम जन्मभूमि का महत्व कैलाश मानसरोवर जैसा है। हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने एक किताब को रिकॉर्ड पर लाकर नक्शा दिखाने की कोशिश की। इस किताब और नक्शे पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन भड़क गए और इसके 5 टुकड़े कर दिए। ये खबर आ रही है कि अंदर से जो वकील है वो बता रहे हैं कि राजीव धवन ने ये कहा कि हमने उनके जो यहाँ पर जजेस हैं उनके कहने पर जो नक्शा है वो फाड़ा, ये क्या बात? हाँ, वो उस समय उन्होंने अचानक बहस के दौरान राजीव धवन ने शुरू किया कि माय लॉर्ड शेप और लोग वायरल हो रही है चीजें जो मैंने यहाँ पर नक्शा फाड़ा था और उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। मैंने आपको कहा कि मेरा मन ये फाड़ने का कर रहा, मैं चाहता हूँ इसको फाड़ दूं। आपने कहा जी आपकी मर्जी, आप फाड़ दो, और हमने फाड़ दिया। तो कोर्ट ने भी थोड़े लाइटर वे में ये कह दिया कि आप क्लैरिफाई कर सकते। अयोध्या पर आखिरी दिन की सुनवाई के आखिरी घंटे तो बहुत ही दिलचस्प रहे क्योंकि बारी बारी से सभी पक्षों को कुछ न कुछ समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखिरी बात रखने के लिए दिया। लंच के बाद हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील पीएन मिश्रा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जे के अधिकार के सबूत नहीं, जबकि हिंदू पक्ष के पास सबूत हैं। जहांगीर के समय में यात्री विलियम फिलिमच का हवाला दिया गया कि हिंदू अयोध्या में पूजा कर रहे हैं। 1858 की गजेटियर में पहली बार सामने आया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अयोध्या में प्रार्थना करते थे। राजीव धवन की बारी आई तो उन्होंने इस पर कहा कि हिंदू पक्ष के मालिकाना हक का कोई सबूत नहीं है। 1886 में फैजाबाद कोर्ट भी कह चुका है कि अयोध्या में हिंदू मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला, हिंदुओं ने इसे चुनौती नहीं दी। सारी पार्टी को पूरा मौका मिला, कोर्ट ने फुल्ली एकोमोडेट किया सब पार्टीज को और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बहस हुई और एंड भी उसका बहुत ही कॉर्डियल हुआ। इस एतबार से हम समझते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट मुकदमा था उतने ही इम्पोर्टेंट तरीके से कोर्ट ने उसको डील किया। हम लोग इससे पहले भी कहते आए हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, जो भी फैसला कोर्ट कर दे हम मानने के लिए तैयार हैं। आखिरी दिन की सुनवाई में बहस बाबर को लेकर हुई जब एक हिंदू पक्ष की तरफ से वकील पाराशरण ने दलील दी कि बाबर विदेशी हमलावर था और राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाकर जो ऐतिहासिक भूल हुई उसे सुधारने की जरूरत है। अयोध्या में कई मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम इबादत कर सकते हैं लेकिन हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान नहीं बदल सकते। इस पर मुस्लिम पक्ष ने दलील रखी कि तब के वक्त में हिंदू और मुस्लिम शासकों में अंतर नहीं किया जा सकता है। बाबर ने लोधी के साथ भी युद्ध किया था, वो भी मुस्लिम था। उस वक्त का भारत सिर्फ एक नहीं अलग अलग सोच का मिश्रण था। लेकिन आखिरी में सब बहस सब दलील इसी असली मुद्दे पर आ जाती है कि अयोध्या में जमीन का मालिक किसे माना जाए। अंदर हुआ कि आज के कार्रवाई बंद हो गया, अब कोर्ट कार्रवाई नहीं कि मतलब कि चलवाई नहीं चलेगा, अब ऑर्डर में चल गया, ऑर्डर हनुमान जी के पक्ष में आएगा, ये हमारा विश्वास है। अब फैसला क्या होगा, किसके पक्ष में आएगा, इसे कौन जान सकता है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, जिसने आज सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो भी फैसला आए भारत के इस सबसे लंबे विवाद का आखिरकार अंत हो जाए। दिल्ली से निशांत चतुर्वेदी, संजय शर्मा और अशोक सिंघल के साथ कुमार अभिषेक और रोहित सरदाना, अयोध्या आज तक। ये तो आखिरी दिन की दलीलों की बात रही कि किस तरह से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात पर जोर लगाया, लेकिन 40 दिन और 170 घंटे की सुनवाई में मुख्य मुद्दे क्या रहे, दोनों पक्षों ने इन मुद्दों पर अपने अपने पक्ष में कौन सी दलीलों के जरिए वजन दिया, ये हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या केस में पहला बड़ा मुद्दा रहा कि विवादित जमीन पर भले मालिकाना हक किसका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर भले ही मस्जिद बन गई थी लेकिन मालिकाना हक हिंदुओं का रहा है क्योंकि वहां पर मंदिर था। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि वहां पर 400 साल से मस्जिद थी। हिंदू पक्ष की दलील है कि एएसआई रिपोर्ट से मंदिर के प्रमाण मिले। मुस्लिम पक्ष का तर्क रहा कि मालिकाना हक उनका है क्योंकि ब्रिटिश राज से उन्हें ग्रांट मिलती रही है। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि देवताओं के सेवक के नाते मालिकाना हक उनका बनता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अंग्रेजों से हिंदू पक्ष को सिर्फ पूजा का अधिकार मिला था, मालिकाना हक नहीं मिला था। दूसरा मुद्दा विवादित जमीन पर कब्जे का रहा।
जिसमें हिंदू पक्ष का तर्क है कि 1934 से मुस्लिमों ने वहां पर नमाज बंद कर दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाज तो जबरन बंद करवाई गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि बरसों से विवादित जगह पर पूजा अर्चना होती रही है, 1800 से पहले ही पूजा होती रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भले ही नमाज बंद रही लेकिन जमीन पर कब्जा उन्हीं का रहा। तीसरा मुद्दा पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का रहा। हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के अवशेष और खंभे मिले हैं। मुस्लिम पक्ष का इस पर कहना है कि रिपोर्ट सिर्फ विशेषज्ञों के विचार भर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अवशेषों में जिस तरह की चित्रकारी है वो मस्जिद में नहीं होती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कई मस्जिदों में फूल पत्ती बनी होती है। चौथा मुद्दा रहा कि विवादित जमीन पर भगवान राम का सटीक जन्म स्थान क्या है। हिंदू पक्ष का कहना है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे ही जन्म स्थान था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का इस पर तर्क है कि हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए जाते हैं। विवादित जगह के पास मंदिर को जन्म स्थान कई मानते हैं तो कई राम चबूतरे को जन्म स्थान मानते हैं। पांचवा प्रमुख मुद्दा रहा कि विवादित जमीन पर मंदिर था या मस्जिद। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को बाबर या औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया, इसके दस्तावेज तो नहीं है लेकिन मंदिर के ढांचे को ही मस्जिद में बदला गया था। मुस्लिम पक्ष का वही कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद का नए सिरे से निर्माण नहीं किया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद को सपाट जगह पर बनाया गया। इन मुख्य मुद्दों पर अपनी दलीलों के बीच 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में एक एक बात पर बहस हुई, एक एक पहलू सामने लाया गया। इसके बीच आखिरी दिन तक तो इस बहस का तनाव इस हद तक पहुंच गया कि कोर्ट में एक नक्शा फाड़ दिया गया। इसकी कहानी आपको बता देते हैं। आप जरा बता सकते हैं नक्शे के अनुसार क्या था? मैं पकड़ सकता। ये जो स्थान है ये मैंने दिया भगवान राम का रेखांकित जन्म स्थान था। रेखांकित इसलिए कह रहा हूँ इसकी इसका मेजरमेंट दिया है जोसेफ स्टीफन थेलर ने, 18 फीट 9 इंच ऐसे लंबाई में, 15 फीट ऐसे 5 इंच ऊंचा। आप बता रहे थे कि आपने भी आर्किटेक्ट से इसको वेरीफाई बनवाया है। ये सब मुझे नहीं बनाने आता। उसने लिखा है कि पहले इन कसौटी पत्थरों का वर्णन किया है, तब वो लिखता है कि बाईं ओर एक वर्गाकार चिन्ह दिखलाई पड़ता है, इसको हिंदू लोग बेदी कहते हैं। ये वही किशोर कुणाल है जिनकी किताब और जिनके द्वारा तैयार नक्शे को लेकर ही आज आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम हुआ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और मुस्लिम पक्ष के मुख्य पैरोकार राजीव धवन आपे से बाहर हो गए और नक्शे के 5 टुकड़े कर दिए। वे जानते थे कि यदि माननीय न्यायाधीश महोदय लोग इसको देख लेंगे तो वे कन्विंस्ड हो जाएंगे कि यही राम जी का जन्म स्थान था, इसलिए इतनी उत्तेजना थी। वो हताशा का परिचायक था, वो हार का सूचक था, इसलिए वो चाहते थे कि न किताब कोर्ट में रखी जाए न नक्शा देखें लोग, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी पुस्तकें भी रख ली, लोग उलट कर देख भी रहे थे और नक्शा भी रख लिया। किशोर कुणाल पूर्व IPS रहे हैं और जिन्होंने अयोध्या विवाद पर अपना एक अलग अध्ययन किया है जिसे वो 2016 में अयोध्या रिवाइज्ड के नाम से एक किताब में प्रकाशित कर चुके हैं। इसी किताब के कुछ हिस्से और साक्ष्यों के आधार पर राम जन्मभूमि के सटीक स्थान को बताने वाला नक्शा आज जब हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने अपनी दलीलों के दौरान कोर्ट के सामने लाना शुरू किया तो विवाद हो गया। जो बाबर ने तोड़फोड़ की उस मानसिकता के लोग आज भी भारत के अंदर मौजूद हैं और मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया। और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसकी निंदा करती हूँ, इस आचरण की सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है और मैं इस पर कुछ कह नहीं सकती, मैं टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से अपमान करने वाले जो लोग होते हैं माननीय कोर्ट जरूर उसको संज्ञान में लेगा, मैं उस कृत्य की निंदा करती हूँ। अब इस किताब और नक्शे को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन उखड़ गए कि ऐसे कागजातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जब जन्म स्थान की सही जगह पर दूसरे दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में बहस हो चुकी है। इसी पर आगे बात बढ़ी तो राजीव धवन ने नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिससे कोर्ट रूम में सभी सकते में आ गए। एवरीवन वाज शॉक्ड कि आज सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के और हिंदुस्तान के भारतीय संविधान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है 69 इयर्स में कि कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में कोई पेपर फाड़ दे, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो राजीव धवन साहब ने उसमें आपत्ति करी कि ऐसे नक्शे फाइल नहीं किए जा सकते, जिसमें विकास सिंह साहब ने क्लैरिफाई भी किया कि ऑलरेडी हम नक्शा कोर्ट की परमिशन से फाइल कर रहे हैं और उसके बाद राजीव धवन ने वो नक्शा कोर्ट के सामने फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुझे लगता है टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर आज जिस तरीके से राजीव धवन
साहब ने नक्शा फाड़ा उसको लेकर के दैट वाज नथिंग अनयूजुअल दैट वाज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द कोर्ट समथिंग सच थिंग हैपेंड। करीब करीब सभी ने कोर्ट रूम में राजीव धवन के इस व्यवहार को गलत बताया। हालांकि राजीव धवन ने बाद में इस पर सफाई दी कि उन्हें तो बेंच ने ही कहा था कि अगर नक्शे को वो जरूरी नहीं समझते तो इसे फाड़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये किया। संजय शर्मा, निशांत चतुर्वेदी और अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको अयोध्या की विवादित जमीन के नीचे मंदिर की मौजूदगी की अंडरग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, रहिए खबरदार। अयोध्या केस में 40 दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले का इंतजार है, जिसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम आपको विवादित जमीन की खुदाई में निकले उन सबूतों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जो विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर होने की गवाही देते हैं। करीब 15 साल पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या में विवादित भूमि की खुदाई की थी, जिसमें मिली चीजों का ASI की टीम ने वैज्ञानिक परीक्षण किया था। इसके आधार पर विवादित ढांचे के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष होने का दावा किया गया था। मंदिर के पक्ष में मिले इन सबूतों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। उसके लिए ASI ने नवंबर 2018 में विवादित जमीन के नीचे मंदिर के सबूतों को बाकायदा तस्वीरों के साथ सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, जिसको लेकर 40 दिन की सुनवाई के दौरान भी सभी पक्षों के बीच दलीलों का दौर चला। ASI रिपोर्ट के आधार पर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने ASI की रिपोर्ट के खिलाफ दलील दी कि पुरातात्विक खोज में मिले अवशेष मंदिर नहीं बल्कि ईदगाह के हो सकते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ASI की रिपोर्ट को सिर्फ एक विचार बताते हुए कहा गया कि इसके आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की साल 2003 की रिपोर्ट को साधारण राय नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि माहिर विशेषज्ञों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया है जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी विवादित स्थल की खुदाई में मिले मंदिर के सबूतों वाली रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज नहीं किया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ASI की इस रिपोर्ट की भी भूमिका होगी। तो ऐसे में आज हम आपको ASI को मिले वो सबूत दिखा रहे हैं जो विवादित जमीन के नीचे प्राचीन हिंदू मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। पत्थर पर खुदी कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति का हाथ, हिंदू देवता की खंडित मूर्ति के हाथ में त्रिशूल, देवी की खंडित मूर्ति, खंभों पर खुदे देवी देवताओं के चित्र, पहली नजर में देखने पर आपको ये चीजें किसी खुदाई में मिली सामान्य वस्तुएं लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अयोध्या की विवादित भूमि की खुदाई में मिले वो साक्षात सबूत हैं जिनके बारे में आपने अब तक सिर्फ सुना होगा। देख, आप पहली बार आज तक पढ़ रहे हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो पुरातात्विक सबूत हैं जो इस केस की सबसे मजबूत गवाही दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या में ASI ने विवादित जमीन की खुदाई की। 2003 में अपनी रिपोर्ट में ASI ने कहा कि विवादित जमीन के नीचे एक मंदिर के सबूत मिले हैं। ASI की रिपोर्ट के 15 साल बाद पहली बार आप वो सबूत देख रहे हैं जो बाबरी मस्जिद के नीचे जमीन के 10 फीट अंदर दबे हुए थे। पुरातात्विक खुदाई में ASI को नक्काशी किए हुए पत्थर मिले। ASI को ऐसे ढांचे भी मिले जिनका इस्तेमाल हिंदू मंदिर निर्माण में आमतौर पर किया जाता है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में एक दैविक युगल का भी जिक्र किया है जिसकी खंडित मूर्तियां विवादित स्थल की खुदाई में मिली। खुदाई
खुदाई में मिली एक मूर्ति को उत्तरिया वस्त्र पहने देखा जा सकता है। खुदाई में मिली एक अन्य मूर्ति को देखा जा सकता है जो गहने पहने हुए हैं। 25 वर्षों से अयोध्या शोध संस्थान में कार्यरत रामतीर्थ वो शख्स हैं जिन्होंने विवादित भूमि की खुदाई में मिले सबूतों को अपने हाथों से संजोया था। 10 फीट गहरा खुदाई हमने देखा है सर, और खुदाई के समय तो हम लोग उपलब्ध नहीं रहे, बट यह है कि बाद में हम लोगों का उसका चिन्हांकन और उस पर नंबरिंग करना, उसको सीरियल से करने में हम लोग गए थे। तो कैसी चीज़ें थी, क्या निकला था? जिसमें ये मंदिरों के जैसे वो चौखट है, शिलाखंड है, फलक है, और पत्थर के मतलब स्वरूप, उसमें कोई ऐसी आकृति तो नहीं है, पर जैसे मंदिर के चौखट पे बने होते हैं या उसके खंभे पे बने होते हैं, इस तरह के उसमें चित्रकारियां हैं। मूर्ति जैसी नहीं मिली, पर इसके जैसे बहुत बड़ा घड़ा निकला है और भी तमाम पार्ट्स निकले हैं, इससे ये स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई पुरातात्विक चीज़ थी जिसे गिरा करके फिर से रिनोवेट किया गया हो। इस तरह से मतलब जो खुदाई थी वो मौजूदा निर्माण यानी उस समय के जब शुरू हुई तो उसके नीचे 10 फीट नीचे मिला, यानी कि एक गुंजाइश ये जताई गई कि नीचे रहा होगा पहले कोई दूसरा निर्माण। जी सर, जी जी, इससे स्पष्ट होता है कि जो भी इसके ऊपर बने रहे होंगे वो ढाया गया होगा या उसे समतलीकरण किया गया होगा, तो निश्चित है कि उसके नीचे वो पटा पड़ा था। विवादित जमीन की खुदाई में मिले ये अवशेष 13वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, जिनमें सजावटी ईंटें, मंदिर के द्वार और चौखट, ईंटों का गोलाकार मंदिर, जल निकास का परनाला और एक विशाल इमारत से जुड़े 50 खंभे शामिल हैं। गर्भगृह में तो अभी श्री रामलला बैठे हुए हैं, वही गर्भ, उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन तो उसके दोनों तरफ हमको 50 स्तंभों के प्रमाण मिले हैं। तो स्तंभों के टूटे टूटे टुकड़े या उसके स्तंभों का पिलर बेस जो है, आधार जो है, वो ज्यों का त्यों मिला है। कुछ में पत्थर ज्यों के तो लगे हैं, और पिलर बेस को वहाँ बहुत मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ आर्थोस्टेट, जिसको अंग्रेजी में कहते, चारों तरफ खड़े पत्थर लगाए गए हैं, और 50 पिलर बेस मिले हैं, और उनकी दूरी समानांतर है, एक से बिल्कुल बराबर है। वो प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंडप था। तो ये रचना जो होती है सिर्फ मंदिरों में ही होती है, वो भी उत्तर भारत के मंदिरों में। एक बड़ा हिस्सा उसी स्थल पर रखा गया है और काफी चीजें वहां से लाकर संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। दरअसल अगर हम कारीगरी देखें जिस तरह की गई है, इसमें एक मंदिर निर्माण हो सकता है ऐसी संभावना जताई गई है एएसआई द्वारा भी। हम आपको यह भी बताएं कि एएसआई ने इन चीजों की जो उम्र बताई है या कितने प्राचीन हैं, वो करीब करीब 11वीं सदी ईसा पूर्व, और जो खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, वो पहली सदी ईस्वी की है। यानी कि इन सभी चीजों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक साक्ष्य के तौर पर भी। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और बानवीर सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों की सुनवाई के बाद अब देश को फाइनल फैसले का इंतजार है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अयोध्या में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है और कार सेवकपुरम में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल आस्था का नया केंद्र बन गया है। मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने अयोध्या में राम मंदिर कार्यशाला का जायजा लिया और वहां राम मंदिर निर्माण को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। बताया जाता है कि ये मॉडल 21 फीट लंबा है, 11 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट तक इसकी ऊंचाई है, और ये मॉडल बिल्कुल वैसे का वैसा बनाया गया है जैसा राम मंदिर बनाने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन कर रहे हैं, खासतौर पर तब से जब से ये संकेत मिलने लगे हैं कि कोर्ट अब अयोध्या के मामले को लेकर बहुत जल्दी कोई आखिरी फैसला दे सकती है। यहां इस मॉडल को देखने आने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। किस लिए आए? घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैं यहां पहली बार आया हूं देखने के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आवे और मंदिर बने, और इसके बाद फिर दूसरी बार हम लोग परिवार के साथ आकर के दर्शन यहाँ करें। माता जानकी जी को मंदिर देखने आए, जब बन जाएगा तो फिर हम लोग आशा रख रहे हैं कि जल्दी बन जाए तो हम लोग फिर देखने आएंगे। सर, यहाँ देख के आपको क्या लगा? यहाँ भी मन खुश है हम लोगों को, जो भगवान करे जो बन जाए ऐसा ही बन जाए। हाँ, ऐसा। अभी तक कम से कम जब तक अदालत से फैसला नहीं हो जाता, चीजें साफ नहीं हो जाती, देश के बाहर के तमाम इलाकों से जो लोग आते हैं
वो इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि राम मंदिर का जो सपना हिंदू समाज के लोगों ने देखा है अयोध्या में जन्मभूमि पर, अगर अदालत से फैसला पक्ष में आता है तो वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा ये मॉडल यहाँ देखकर फिलहाल कम से कम वो आते हैं और अपने दिल को तसल्ली देकर जाते हैं। कारसेवकपुरम से रोहित सरदाना, अयोध्या आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अयोध्या मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। इस जल्दबाजी से भी आपको खबरदार रहना चाहिए। दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद अब अयोध्या केस का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट नवंबर में अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि फैसले की तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को मानो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 6 दिसंबर को शुरू हो जाएगा, यानी उसी दिन जिस दिन 1992 में विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया था। तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रकरण को लेकर के ही राजनीति में आया था, तो अब एक महीने के अंदर जब आने वाला है तो मेरा दिल कहता है जिस प्रकार से कश्मीर से धारा 370-35 हटाई गई, पत्ता तक नहीं हिला। हमें विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में और माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री हैं उनके कार्यकाल में जब ये निर्णय आएगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके अयोध्या में 6 दिसंबर से भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भूख प्यास वाली परीक्षा में भारत के कितने नंबर आए हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े। बस थोड़ी देर रहिए खबरदार। खबरदार में अब हम आपको वो आंकड़े दिखाने वाले हैं जिसका सीधा असर देश की भूख प्यास से जुड़ा है। आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भूखमरी और कुपोषण के मामले में हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों नेपाल, बांग्लादेश, यहां तक कि पाकिस्तान से पिछड़ा हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट ने यह दावा किया है जिसमें भारत भूखमरी और कुपोषण के मामले में दुनिया के 117 देशों की सूची में 102वें नंबर पर है, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान 94वें, बांग्लादेश 88वें और नेपाल 73वें स्थान पर है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, और ज्यादा खबरों के लिए www.aajtak.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।